नेशनल हाईवे 34 से बने लिंक रोड पर ओवरलोड ट्रक घुसने कंजोली मार्ग हुआ ध्वस्त। खनिज विभाग से बचने के लिए लिंक मार्ग पर घुसे थे मोरम के ट्रक। हमीरपुर जनपद के कंजोली डेरा गांव में ओवरलोड मोरम के ट्रक घुसने से सड़क का हाल हुआ बेहाल। सड़क की दुर्दशा को देखते हुए आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने मोरम के ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर सड़क को किया वादित। गांव वालों का कहना है कि जब तक हमारे गांव की सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक ट्रकों को नहीं जाने देंगे। तभी मौके पर पहुंचे ARTO अमिताभ राय ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड मोरम के दो ट्रकों पर भी भारी जुर्माना लगाया। वहीं सूचना पर पहुंचे SDM सदर पवन पाठक ने जांच पड़ताल करते हुए PWD विभाग को मौके पर सूचना दी और सड़क की मरम्मत के लिए XCN को मौखिक जानकारी दी एवं मौके पर PWD विभाग के JEO को सड़क की दुर्दशा दिखाई। SDM के द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त देते हुए PWD विभाग के माध्यम से नेशनल हाईवे 34 से बने कंजोली लिंक मार्ग की मरम्मत की बात कही। हमीरपुर जनपद के कंजोली डेरा गाँव का पूरा मामला है। वंदे भारत न्यूज के लिए हमीरपुर से शिवम शिवहरे की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम अंकुर साहू है, मैं ग्राम कंजोली डेरा का मूल निवासी हूं। इस NH हाईवे से लिंक रोड लगा है, वही समथिंग 2 किलोमीटर का होगा और इस लिंक रोड में ओवरलोड गाड़ियां, जो ट्रक ओवरलोड गाड़ियां मोरम और गिट्टी की गाड़ियां जो है आए दिन घुसती रहती हैं और ये रोड कम से कम 7-8 महीना पहले बना हुआ है। ये रोड की दुर्दशा इतनी ख़राब हो चुकी है कि हद से ज़्यादा हो चुकी है और बिल्कुल चारों धंस चुका है, फट चुका है। और हमने जब ये गाड़ी आई रात में घुसी, सुबह हमको जानकारी हुई तो हम लोग आए, गांव के सारे लोग आए और प्रशासन बुलाया गया। प्रशासन में सिर्फ RTO साहब भर आए हैं और बाकी कोई भी आला अधिकारी नहीं आए हैं, ताकि DM साहब और 100 नंबर आई है और 112 नंबर जी 112 नंबर आई हैं और ना SDM साहब आए, ना ही DM साहब आए, ना खनिज विभाग आया, कोई भी विभाग नहीं आया। और यहाँ से केवल फोटो वोटो ली गई हैं और कुछ इसके बाद में कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ जानकारी नहीं है। और लोकेशन वाले आए और धमकी भी देने लगे यहाँ पर, लेकिन गांव वालों के सामने उनकी चली नहीं और RTO साहब ने लोकेशन वालों को भगा दिया। और हमारे इस रोड की मांग हम मांग करते हैं कि इस रोड की हमें फिर से पुनः जो है इसका जो है वो कराया जाए डामरीकरण। हमारी यही मांग है प्रशासन से और अगर जब तक पूरा प्रशासन नहीं आएगा जब तक हम रोड से ट्रक नहीं हिलने देंगे, सभी लोगों की हमारी यही मांग है, ट्रक हिलने नहीं देंगे। मोरम के ट्रक है लिंक रोड पर घुसे हुए हैं, तो क्या पूरा मामला है इसका? NH 34 से कंजोली डेरा संपर्क मार्ग पे अधिकारियों की चेकिंग की जानकारी होने पे संपर्क मार्ग पे 2 वाहन ओवरलोड खड़ा करा दिया गया था, जिन पर मैक्सिमम जुर्माना आरोपित करके इनको अर्थदंड दिया गया है। खनिज के द्वारा भी इस पर जुर्माना जमा कराया गया है और इस रोड पे आगे से गाड़ियां ना आए तो PWD से भी बात की गई है कि इसके संपर्क मार्ग जहां पे NH 34 से मुड़ रहा है वहां पे वो बैरियर लगाएंगे और जहां पे